ठीक है भाई साहब, तो ठीक से बोल लो ना यार, कोई दिक्कत हो रही है बोलने में। यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी है, ठुक चुकी है, मतलब स्किड हो गई हमारी गाड़ी। बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। थर्ड डे, अभी उठे थे, ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे बहुत तगड़ी धूप निकली हुई है, हमारी गाड़ी फंस चुकी है बर्फ में, तो उसके पास जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं गाड़ी निकलेगी कैसे। ट्रैफिक बहुत है आज सुनने में आया, तो अभी हम पैकिंग कर लें, फिर मिलते हैं। हाय गाइस, आज हमारा लास्ट डे ख़त्म हो गया है, हम लोग जस्ट यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे भैया हैं जिन्होंने पूरा हमारा ट्रैक ऑर्गेनाइज़ किया है, और इनकी इन्फॉर्मेशन कुछ है कि कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ ट्रैक करवाते हैं, कहाँ कहाँ इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है, वो सब ये आपको बताएंगे। आप बताएं भाई अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी। जी भैया, अभी आपको वेलकम, बहुत अच्छा ग्रुप आपका। तो ऐसे लगभग आप दो दिन से यहाँ पर रहे, आपको कुछ परेशानी तो नहीं हुई यहाँ पे? परेशानी तो देखो कोई भी नहीं हुई, इनफैक्ट तो अच्छा लगा इस सिचुएशन में। लास्ट डे बर्फ मिल गई हमें, एक्सपेक्टेड से ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो भैया मैं ये बोल, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकिंग है, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी न्यू ईयर और क्रिसमस में हम 15 डेज के लिए कैंप लगाते हैं, और इसके लिए यहाँ पे गोरसन बुग्याल ट्रैक, लास्ट आप गए होंगे डे, अगर कोई क्लाइंट डे हाइक ट्रैक करना चाहते हैं यहाँ पे गोरसन बुग्याल अवेलेबल है। और किसी क्लाइंट के पास ज़्यादा टाइम है, जैसे 3 से 4 डेज का ट्रैक है, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ट्रेल हमारे पास है, एकदम 90 डिग्री माउंटेन्स दिखाई देते हैं वहाँ से पूरा। वहाँ पे एक छोटा ट्रैकिंग पीक भी है जिसका हाइट है 5900 मीटर, तो पीपल क्लाइंबिंग करने के लिए उस पर बहुत सारे लोग जाते हैं, और हम लोग लगभग ऑलमोस्ट उत्तराखंड में सभी जगह ट्रैक करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ओली है, गुरसों है, और नंदा देवी सेंचुरी ट्रैक है, और कुमारी पास ट्रैक है, ऋषिकुंड ट्रैक है, और ब्रह्मताल है, विंटर ट्रैक ब्रह्मताल, कुमारी पास और केदारकंडा, समर ट्रैक 1000 ट्रैक, लगभग बहुत सारे ट्रैक है यहाँ पे। तो जो हम कराते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि केदारकंठा, देवरियाताल, ड्यूडी ताल, नंदनवन, वासुकी ताल, गौमुख, खिराओं वैली, ऐसा कि एकदम फ्लावर्स, बिल्कुल फ्लावर्स, उससे बेस्ट सीजन है जुलाई अगस्त खिराओं वैली के लिए, उससे फ्लावर्स के लिए सीजन है। उसके बाद हम यहाँ से काकभूषणी ट्रैक, कुछ सामने जो पहाड़ दिखा सर, ये सामने ये बीच वाला जहाँ बादल है, हाथी घोड़ी, ये हाथी घोड़ी पर्वत है, वो ठीक नीचे है काकभूषणी लेक, जहाँ जहाँ पे एकदम क्लाउड है, वो हाथी घोड़ी पर्वत है, उसके ठीक नीचे काकभूषणी लेक, कहते हैं वहाँ पे कि जितने भी कौवे मरने के लिए वहीं पर जाते हैं, अगर ट्रैकर वहाँ पर जाए कौवे को ना कुछ उसके पार्ट्स उसके आंसर मिलेगा। तो सारा ऑर्गेनाइज कराते हो ना, खाना पीना रहना? टोटल खाना हमारा है, और ये हमारा कैंप है, आपको दिखाई दिया था पूरा, खाना भी बढ़िया था, अच्छे से, और स्टाफ भी अच्छा था, हेल्पफुल, पूरा कोऑपरेटिव स्टाफ है। थैंक यू सर। और की भैया की डिटेल्स आपको मैं डिटेल में डाल दूंगा सारी, भैया की आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, और उनको फोन नंबर भी डाल दूंगा। देते भैया की सारी डिटेल, कभी भी किसी को चाहिए हो भैया के कॉल कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूंगा। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी के पास, देखते हैं गाड़ी का क्या हाल है। आज जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, स्नो है, और मड होगा, मड भी होगी यार, स्लिपरी होगा थोड़ा, कैसे गाड़ी चलाएंगे, मैंने तो कभी चलाई नहीं है स्नो में, मैंने क्या किसी ने नहीं चलाई हमारे में, तो चलते हैं गाड़ी के पास, हम यहाँ से निकलते हैं। यह है रोड की हालत, और ऐसी रोड पर हम कैसे गाड़ी चलाएंगे यार, किस्मत पर छोड़ देंगे। अच्छा, सारी डिटेल्स बता दें अभी से ही, हम इतना एडवेंचर कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी एडवेंचर करने देना थोड़ा, वो अभी एडवेंचर अभी हो जाता। भाई मैं तो ये बोलूंगा, जो भी अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, अगर उसको लग रहा है स्नो पड़ेगी, तो जोशीमठ गाड़ी छोड़ दो, उधर से आ जा रोपवे से या टैक्सी करके, जो भी है, 4x4 चलती है यहाँ पे, जिप्सी, यहाँ पे मत छोड़ना नहीं तो फंस जाओगे, तो हमें पता नहीं हम फंसेंगे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो बहुत बुरी हालत है, सारी गाड़ी हम आर्मी वाले निकलवा रहे हैं, स्किड मार रही है बुरी तरह से, स्लो 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 स्लो, अब देखते हैं हमारी कैसे निकलेगी। देखिए आर्मी वाले खड़े हुए हैं, निकल रहे हो क्या, निकल रहे हो क्या? हाँ तो ठीक है ना, मैं ध्यान रख रहा हूँ ना, ठीक है भाई साहब, तो ठीक से बोल लो ना यार, कोई दिक्कत हो रही है बोलने में, वो पता है मेरे को पता है। ये रही हमारी गाड़ी, पूरा ब्रज में हुई, पता नहीं कैसे निकलेगी, देखते हैं, पूरी तरह से हुई है, लीफ ओवर ऑन कर दिया, बर्फ़ जमी हुई है गाड़ी के अंदर, पानी डाल के साफ कर रहे हैं, साफ क्या कर रहे हैं, बर्फ़ डाल रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी है, ठुक चुकी है, मतलब स्किड हो गई हमारी गाड़ी, मैं बहुत मुश्किल से लाया, आप सॉफ्टी को दे दिए, बहुत ज़्यादा स्किड, स्लिपरी रोड है, मैं तो सोच रहा हूँ पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, अब पैदल गाड़ी निकालनी पड़ रही है, ब्रेक मत दे।
शिवी को गाड़ी में बैठा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में वजन चाहिए। ये एक्सपीरियंस तो याद रहेगा, बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। नीचे जोशी मठ छोड़ देनी चाहिए थी गाड़ी, लेकिन जो हम किसी ने हमें बताया ही नहीं। बहुत बुरा एक्सपीरियंस, पता नहीं कितनी देर वैसे चलना पड़ेगा, इतना स्किड हो रही है गाड़ी। जब मैं गाड़ी चला रहा था बिल्कुल साइड में चली गई थी, बस मौत करीब से देख ली थी हम लोगों ने, अब थोड़ी स्किड कम हो गई है। वी आर हैविंग गुड़िया के बाल, आगे रोड ब्लॉक पड़ी है, रोड ब्लॉक है, लेकिन हमने सोचा चलो गुड़िया के बाल खाने का मौका कहाँ मिलेगा, कल रहे ना रहे। क्यों ही ब्रांजल, सही बात है, गोली हमारा डंबल पत्थर उठा उठा के पागल हुआ पड़ा है। 12 बजे से हम पैदल पैदल चल रहे हैं कार के साथ। यहाँ पे भैया की अर्टिगा फंस गई है, गाड़ी निकलवाने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर इनकी नहीं निकलेगी तो हमारी भी नहीं निकलेगी। स्लिप रही है, सॉफ्टी देख के आई हूँ, वो देखिए वो स्लिप हो रही है गाड़ी, ये वाली ये पीछे जा रही है, स्किड हो रही है। तो यूटर्न लेनी है, इतनी बड़ी गाड़ी इतनी छोटी जगह पे यूटर्न कैसे होगी। आराम से रुको, बस 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 रुको। अरे दादा गिर गए वो लोग। हे गाइस, कहाँ पर है हम लोग? पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे कौन सी जगह? जोशी मठ से थोड़ा आगे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, बस आज कैसे ना कैसे निकल आए हम लोग, बहुत मुश्किल से निकले, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। 4 किलोमीटर करने में कितने 6 घंटे लग गए हम लोगों को, बहुत डेयरिंग चाहिए नीचे उतरने के लिए। यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, कितनी देर हो गई, 1 घंटा हो गया रुके हुए यहाँ पे हमको, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, सुनसान। और अभी कितने बज रहे हैं ब्रांजल, टाइम बताओ? 12:27 दिखा देते हो, टाइम दिखाओ, टाइम 12:28। अभी हम पहाड़ों पे ही हैं अभी, और हमारे सॉफ्टी महाराज ड्राइव कर रहे हैं, बहुत देर से मांग रहा था बेचारा, पहले बेचारे को दे देते हैं, मलाल रह जाएगा नहीं तो इसको इस बात का, थोड़ा 19 चलाता है लेकिन दे देते हैं। रजत ने, और क्या, घुटना सूझ गया मेरा। ब्रांजल महाराज हमारे डीजे पूरे गाने का ध्यान वो रख रहे हैं, और ये साले पसर के बैठ गए हैं, ये मैं सीट आप पीछे कर लिए, मोटे ये बीच में, ये बीच बीच में हमें सौदा बना के दे रहे हैं, सतर्कों के बैठा हूं भाई। ये वही है जो गधे पे हाथी बैठे हुए थे, ये जो आप गधे पे हाथी बैठे हुए, देखा उधर। तो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश, प्लान बना के ऋषिकेश पे, 80 किलोमीटर है ऋषिकेश का, छोटा मोटा कुछ प्लान बनाया, देखते हैं क्या बनता है। हेलो फ्रॉम ऋषिकेश, यहाँ पे तो सब कुछ बंद है, सारे मंदिर बंद है, तो हम सोच रहे हैं अब हरिद्वार जाएंगे, सब देख लिया, लक्ष्मण झूला बंद है और वो 13 मंजिल वाला मंदिर बंद है, तो अभी साइड में लगा लिया गाड़ी ऋषिकेश में, अब हरिद्वार जा रहे हैं, अब हरिद्वार में फिर से देखते हैं हर की पौड़ी या कहीं किसी भी मंदिर में जाएंगे। अभी हम कहाँ पर हैं? हरिद्वार, हरिद्वार के पास रुके हैं कुछ खाने के लिए, ये लोग कुछ नहीं खा रहे हैं, हम खा रहे हैं परांठे। हेलो गाइज, मैं तो आउट हो गया था, मैं तो सो गया था, बहुत सब सो गए थे एक्चुअली, हमने गाड़ी 1 घंटे के लिए लगा भी दी थी साइड में, तो हम लोग सो गए थे इसलिए फिर मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया, मैं घर पे आ गया तो मैंने सोचा व्लॉग एंड कर देता हूँ। और मैं तो बस यही बोलूँगा, कोई अगर ओली जा रहा है और स्नोफॉल के चांसेस लग रहे हैं तो ओली में अपनी गाड़ी ना ले जाएं, जोशी मठ में ही खड़ी करते हैं, जिससे कि ऐसा हाल नहीं होगा जैसा हमारा हुआ, और सेफ़ भी रहेगा। उधर से केबल कार चलती है तो ट्रॉली, तो उससे आप आ सकते हो जोशी मठ से ओली के लिए। बाकी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय।